आज हमारा सिटी सर्वे रन कर रहा है। बेटा लेना वैजानी ताजनावलिया ओल्ड एज होम की तरफ से आज जो है मोहर्रम का पहला दिन है और शुभ अवसर पर जो है एक बहुत ही नेक काम किया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं और जो भी ब्लड डोनर है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये जो नेक काम उन्होंने शुरू किया है उनको मैं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। फैजाने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम या मार्फतीने आपण जे हा उत्कृष्ट कार्यक्रम आपण जे नियोजन केलेलं आहे ते खरंच एक स्तुत्य उपक्रम आहे। हे जे समाजासाठी आपला एक तुमचं एक उदाहरण राहणार आहे की आपण समाजामध्ये हे आपण अशा पद्धतीचं पण एक काम केलं पाहिजे जेणेकरून इतरांना पण प्रोत्साहन मिळेल। तर आम्हाला खूप आनंद होतोय आम्ही तुम्ही आम्हाला सहभागी करून घेतल्यात, आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू। 19 साल से मौलाना इरशाद इस फैजाने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के फाउंडर है और मुख्य रूप से उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर में जो उनकी कार्यशैली है और जो उन्होंने यहाँ पर जो काम करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गरीब तबके के लोगों को और जो जिनकी मदद सही में सहायता होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ये मेडिकल मेवा और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाओ तो एक ये एक ऐसी चीज है कि ब्लड डोनेशन क्योंकि बड़े मुश्किलों से मिलता है और किसी का मैच खाता है और किसी का मैच नहीं खाता है, तो कैसा होता है कि इन्होंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मेडिकल हॉस्पिटल को यहाँ पर जितने भी डोनर आ रहे हैं उनको हम लोग शुभकामनाएं देते और मौलाना इरशाद साहब को भी और उनकी पूरी टीम को भी शुभकामनाएं देते और हमारी बात पे हमारे जोन फोर के डीसीपी साहब और हमारे मैडम लुमने मैडम यहाँ पर उपस्थित हुए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा हर साल यहाँ आता हूँ, हर साल ब्लड डोनेशन कैंप होता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। रक्तदान श्रेष्ठदान, रक्तदान जीवनदान। एक आदमी ने अगर खून दिया तो खून के अलग अलग कंपोनेंट करके अपन 3 से 4 लोगों को जैसे प्लाज्मा आरबीसी प्लेटलेट अपन 3 लोगों को दे सकते हैं। तो हर साल ये जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है ये इससे बहुत सारे पेशेंट जो गरीब मेडिकल में जो गरीब लोग आते हैं गरीब पेशेंट आते हैं उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर साल ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप करके जो गरीब लोग मेडिकल हॉस्पिटल में आते हैं उनको उसका फायदा पहुंचाए। मी वैद्यकीय महाविद्यालय इथल्या ब्लड सेंटर मधून आलो आहे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नेहमीच असे ब्लड कॅम्प घेत असतात जेणेकरून गरजू लोकांना वेळोवेळी मुफत बरेचदा मुफत रक्ताचा पुरवठा होईल। त्याकरिता सर्वांची आपली जबाबदारी आहे की सर्वांनी ही जबाबदारी जाणून रक्तदान करावं जेणेकरून आपल्या रक्ताचा एक एक बूंद सर्वांच्या कामात येईल आणि त्यासाठीच आपण जगतोय। तर आज आपल्या मौलाना सरांनी आम्हाला ब्लड कॅम्प दिल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। शासकीय व महाविद्यालय नागपूर यांच्यातर्फे आम्ही त्यांचा सत्कार करू इच्छितो। धन्यवाद सर। यहाँ पे फैजाने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब चालू है। हर साल एक मुहर्रम को इसी दिन यह ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है और तकरीबन 100 डोनर के आसपास लोग यहाँ पे रक्तदान करते हैं। अभी जैसा कि स्कूल कॉलेज बेसिकली कॉलेजेस बंद है और ऐसे मौसम में इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने से
सरकारी रक्त पेढ़ी को, रक्त केंद्र को एक बड़ी मदद होती है। और जैसे कि मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे आने वाले गरीब ज़रूरतमंद मरीजों को यहाँ का जो खून है यहाँ पे इकट्ठा होता है वो मिलता है और एक बहुत बड़ी मदद होती है। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की तरफ से है, यह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर। मैं किशोर धर्माले यहाँ पे समाज सेवा अधीक्षक हूँ रक्त केंद्र के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करते रहते हैं। अभी तक 25 लोगों ने कर चुके हैं, 25 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं और ये दिन भर चलने वाला है। माशाल्लाह तमाम आशिका ने सरकार ताजी लोहिया को 101 उसकी मुबारकबाद पेश करते हुए, हमें बहुत खुशी है कि आप हजरत इरशाद मौलाना साहब की जानिब से और फैजान ताजी लोहिया ओल्ड होम की जानिब से ये हर साल जो ब्लड का इंतज़ाम किया जाता है डोनेशन का, वो काबिले तारीफ है। और हम दुआ करते हैं सरकार ताजुल औलिया के आस्थाने में कि हज़रत इरशाद मौलाना ने जो अपना काम को अंजाम दे रहे हैं उसमें तरक्की हो, और वो जैसा सोचते हैं सरकार ताजुल औलिया के फैज़ो करम से जो काम फैजान ताजुल औलिया ओल्ड होम का जो चल रहा है वो माशाल्लाह बहुत काबिले तारीफ है। और हम चाहते हैं कि तमाम सरकार ताजुल आशिकैन हज़रत मौलाना इरशाद साहब के साथ रहे और उनका ताउन करते रहें और उनको कामयाबी दिला। आज एक मुहर्रम जहां इस्लामी नया साल शुरू होता है, वहीं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन भी है। और इस शहादत के दिन को मनाते हुए, एक मुहर्रम इस्लामी नया साल मनाते हुए, और इमाम आली मकाम और आपके जानिसार जो करबला के मैदान में शहीद हुई उनकी शहादत को मनाते हुए, हम अपना खून ऐसे मरीजों को जिनको खून की ज़रूरत है, जो सीरियस है, जो हार्ट पेशेंट है, जो कैंसर के मरीज हैं, अभी कल ही एक फोन आया कि एक लड़की है उसका पैर कट गया तो उसको 8 बोतल खून की ज़रूरत है। ऐसे बेशुमार हमारे पास फोन आते हैं। और माशाल्लाह मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे अपनी इश्क की इश्क का सबूत देते हुए अपनी जवानी का खून ब्लड डोनेट करते हैं। और ये हमारा जो ब्लड डोनेट हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को करते हैं, मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल करते हैं, प्राइवेट वालों को नहीं करते, क्योंकि हर गरीब के लिए सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जितने क्रिटिकल मैटर होते हैं सब मेडिकल में ही जाते हैं, और हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही अपना आज का ब्लड डोनेट कैंप देते हैं। और मैं तमाम जवानों का शुक्रिया अदा करूंगा, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा जो एक महीना पहले से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और बड़ी जोश और खरोश के साथ हमारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना ब्लड दे रहे हैं, और बड़ा जोश माशाल्लाह तमाम जवानों में नजर आ रहा है। बैग रहते हैं जैसे 350 ml और 450 ml, तो अभी 450 ml के बैग लिए जिसमें अपन बाकी कंपोनेंट भी करते हैं, जैसे प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, ये सारे कंपोनेंट अपन करते हैं। यानी एक व्यक्ति ने अगर ब्लड दिया तो उसके अपन 3 व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं।
अभी अपन होल ब्लड निकाल रहे हैं, होल ब्लड यानी सारे घटक उसमें रहते हैं, तब ये बैग जीएमसी में जाएगा, उसके बाद में उसका एफएफपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको बोलते हैं या फिर प्लेटलेट, ये सेपरेट होगा और जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो ब्लड जाएगा। तो एक गरीब को अगर जरूरत है ब्लड की तो वो कैसे आप तक के रब्ता कायम करेंगे, वो कैसे आप तक के पहुँचेंगे? अभी ये जो आपने जितने भी डोनर्स दिए हमारे पास, तो हम आपको एक कार्ड देते हैं जो वॉलंटियर डोनेशन कार्ड बोलते हैं, और ये वॉलंटियर डोनेशन कार्ड आपको 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कार्ड लेके हमारे मेडिकल में आइए और उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बैग दी जाएंगे। हमको तो 20 साल हो गया ब्लड देने को, 20 साल हो गया ब्लड देने को, हर 6 महीने 7 महीने ब्लड देते हैं, ज्यादा अगर यहाँ पर भी देते हैं, कई मेडिकल में तकलीफ गई वहाँ पर भी जाके देते हैं, फोन भी आते हैं मुझे, पहुँच जाते हैं।